हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 10 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। 50 बड़ी ही इम्पोर्टेंट और काम की खबरें जानेंगे, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। देखिए बड़ी खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट पर सरकार ने 31 जनवरी तक रोक को बढ़ा दिया है। ओमिक्रॉन कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेगी। पहले इनको 31 दिसंबर तक बंद किया था, लेकिन एक महीना और आगे बढ़ा दिया है। वे देखिए, कृषि निर्यात के लिए 13 देशों में बनाए गए कृषि सेल, रियल टाइम मांग के आधार पर होगा निर्यात। स्पेशल सेल भी मदद करेंगे किसान भाई लोगों के आय को दुगुनी करने के मकसद से सरकार ये एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए अमेरिका व चीन समेत 13 देशों में स्थित भारतीय दूतावास में कृषि सेल की स्थापना की गई है और ये सेल उन देशों में खाद्य वस्तुओं की मांग की रियल टाइम जानकारी देंगे, जिससे कृषि प्रोत्साहन की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी और एटलीस्ट किसान भाई लोगों की आय बढ़ाने में भी। वह देखिए बड़ी खबर, ट्रेन दुर्घटना होने पर भी नहीं होगा ज्यादा जान माल का नुकसान। रेलवे ने ट्रेन के कोचों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल दोस्तों, अब अगर कहीं ट्रेन एक्सीडेंट घटना भी हो जाएगी ना, तब भी जान माल का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके लिए रेलवे जो है वो ट्रेनों के कोच में बदलाव करने जा रही है। रेलवे में जो मौजूदा ICF कोच हैं, उनसे दुर्घटना के वक्त काफी नुकसान पहुंचता है, यात्रियों के सामान को भी और जानमाल का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो अब कोच की टेक्नोलॉजी बदलने जा रही है, अब रेलवे LHB रेक वाले कोच काम मिलेगी, तो ये भी इंडियन रेलवे का अच्छा फैसला है। वह देखिए बड़ी खबर, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया G20 सम्मेलन रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर में हिस्सा। भारत की ओर से ये G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया गया है। वहीं आखिरकार खत्म हो गया किसान आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि कल 11 दिसंबर से वो घर वापसी करेंगे किसान भाई लोग। जी हाँ दोस्तों, सरकार के साथ किसानों की मीटिंग हुई और सरकार ने किसान भाई लोगों को एक पत्र लिखा और उसके बाद किसान भाई लोग एग्री हो गए, सहमत हो गए अपने आंदोलन को खत्म करने के लिए। तकरीबन 378 दिनों तक लगातार किसान आंदोलन चला और उसके बाद फाइनली ये खत्म होने जा रहा। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि 378 दिन बाद किसान भाई लोग जो है दिल्ली बॉर्डर से टेंट उखाड़ रहे हैं। 11 दिसंबर को फतेह मार्च रहेगा, 15 दिसंबर को पंजाब के सब मोर्चे भी खत्म कर दिए जाएंगे और जैसे ही ये किसान आंदोलन खत्म होगा, 11 तारीख से ही कई सारे टोल नाकों पर फिर से टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन किसान भाई लोगों ने अपने आंदोलन के चलते टोल टैक्स वसूली को भी रोक रखा था। राइट, तो किस किस रूट पर कितने टोल प्लाजा है और वहां पर अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, आप स्क्रीन पर लिस्ट भी देख सकते हैं इस टेबल में। वहीं किसान आंदोलन खत्म होने की घोषणा पर बोले दुष्यंत, देखिए कहा उन्होंने कि एक और इतिहास रच गया, PM मोदी ने आम आदमी के दिलों को छुआ, दुष्यंत चौटाला का यह कहना रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर क्रेज के बाद भी जिंदा थे CDS बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मामले में अब मीडिया में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। जी हाँ दोस्तों, एक बचाव कर्मी चश्मदीद गवाह का भी ये कहना है कि CDS बिपिन रावत जी दुर्घटना के तुरंत बाद तक भी जिंदा थे। उन्होंने कहा, एक शब्द भी बोला हिंदी में कि मैं जनरल बिपिन। और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि उन्होंने पानी भी मांगा था पीने के लिए, लेकिन उनके पास पानी नहीं था तो वो दे नहीं पाए। ये एक चश्मदीद गवाह का कहना है और उन्हें इस बात के लिए अभी भी अफसोस है। वे देखिए, CDS रावत सहित सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर राजधानी दिल्ली लाए गए, कल उन्हें आम लोग भी श्रद्धांजलि दे पाएंगे। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDS बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और श्रद्धांजलि देने के बाद सभी शहीद सैनिकों के परिवारों से एक एक करके PM मोदी मिले भी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना की ट्राई सर्विस जांच भी शुरू हो चुकी है और अब पता चलेगा कि पूरी तरह से आखिर ये हादसा कैसे हुआ। वही दोस्तों, हेलीकॉप्टर दुर्घटना वाले स्थान से एक ब्लैक बॉक्स भी बरामद हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, ब्लैक बॉक्स एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो हर तरह के विमान हेलीकॉप्टर में लगी रहती है, जिसमें हर तरह की गतिविधियां रिकॉर्ड होती है, ताकि किसी ऐसी दुर्घटना के वक्त ये कारणों का पता लगाया जा सके कि आखिर ये दुर्घटना हादसा कैसे हुआ। तो अब देखते हैं ब्लैक बॉक्स के डेटा से भी क्या नया खुलासा सामने आता है, मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए दोस्तों, रावत के निधन पर शोक में डूबा देश। जब शहीदों को एम्बुलेंस लेकर जा रही थी, तब लोगों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर फूल बरसाए। वाकई में दोस्तों, ये 13 ही शख्सियत भले ही आज हमारे बीच नहीं रही है, लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा हमेशा के लिए ये अमर रहेंगे। और CDS बिपिन रावत को आज श्रद्धांजलि देने के लिए भारत आएंगे श्रीलंका, भूटान और नेपाल के सैन्य अधिकारी भी। आज राजधानी दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इन देशों के सेना के टॉप अधिकारी भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।
होंगे। उनका एक सपना ये भी था दोस्तों कि रिटायरमेंट के बाद वो उत्तराखंड बसना चाहते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह देखे हेलीकॉप्टर क्रैश में एकमात्र बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के 24 घंटे में 3 ऑपरेशन हुए। अब उनको बंगलुरु ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। हम सभी दुआ प्रार्थना करते हैं कि ये जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच लौट आए। जनरल रावत की बेटियों ने भी दिवंगत पिता के ताबूत को एकटक देखती रही और अंतिम दर्शन किए। ब्रिगेडियर लिद्दर की बेटी ने कोफिन को चूमा। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जो हमें वाकई में दिल से अंदर तक हिला देती है। इतना इमोशनल मोमेंट इन तस्वीरों में हमें दिख रहा है। वाकई में हम सभी की तरफ से अगेन इन सभी शहीदों को दिल से श्रद्धांजलि। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। हरि ओम। हमारी यही प्रार्थना है गॉड से। चलिए बात करें अपन देश से जुड़ी अगली बड़ी खबरों में। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ने बड़ा ऐलान किया है, एक दूसरे को भेज पाएंगे क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, यानी व्हाट्सएप से अब आप बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की क्रिप्टो करेंसी भी एक दूसरे को भेज पाएंगे। इस तरह की फैसिलिटी व्हाट्सएप जल्द ही शुरू करने जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस की बात करें तो फिर से 40 लाख के नीचे आया बिटकॉइन। लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखी गई। और अभी बिटकॉइन, इथेरियम, टेदर, कार्डानो वगैरह अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज की रेट क्या चल रही तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। सेविंग अकाउंट पर 7% तक का आपको रेट मिलेगा। दरअसल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कल ही कहा कि अलग अलग अवधि की जमा ब्याज दरें बढ़ा दी गई है। अब आपको अधिकतम 7% तक का भी इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग अकाउंट पर मिलेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए वही देखिए एक एजुकेशनल अपडेट की जम्मू एवं कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने बढ़ाई 800 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को, यानी कि लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। अब आज 10 दिसंबर तक जो ये आखिरी डेट थी, खत्म होने जा रही थी, इसको बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया। 18 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। एजुकेशन पर एक खबर ये भी आ रही है कि सीटेट के एग्जाम को लेकर खबर है कि 16 दिसंबर से शुरू होगी सीटीईटी परीक्षा, और उसके लिए सीबीएसई ने 356 प्रैक्टिस सेंटर की लिस्ट भी जारी कर दी है। ऑफिशियल पोर्टल पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह का लिंक भी देखने को मिल जाएगा जो एक्टिव हो चुका है। ओके, अगला अपडेट देखिए, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिया शेड्यूल बैंक का दर्जा। दरअसल भारत में घरेलू पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। और आरबीआई ने कल ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया, यानी कि ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब व्यापार के नए अवसर भी तलाश सकता है। और एटलीस्ट इससे लोगों को भी फायदा मिलेगा कि ये आपको नए नए तरह के प्लान्स ऑफर्स मुहैया कराएगा ना। वही देखिए, क्रिसमस से पहले गूगल कंपनी ने बड़ा तोहफा दिया। अपने सभी कर्मचारियों को 1,20,000 रुपए तक का बोनस देगी कंपनी, और वहीं वर्क फ्रॉम होम भी जारी रहेगा। साथ ही बिहार पंचायत चुनाव पर अपडेट आ रहा है कि 12 दिसंबर को होगी 11वें चरण की वोटिंग। नालंदा में मतदान को लेकर कुछ तैयारियां की गई है। अच्छा, मौसम समाचार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में बदलेगा मौसम। उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं करेगी परेशान संपूर्ण भारत का। आज 10 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो आपको बता दूं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के उत्तर, पश्चिमी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, यानी कि इन इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं तटीय उड़ीसा, रायलसीमा, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण पूर्व तेलंगाना, लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना है, तो कोहरे में गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर देखिए आप, सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सराफा में सोने में 6 रुपए की मामूली गिरावट आई, और इसके बाद सोने का रेट 47,156 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 158 रुपए की गिरावट देखी गई, और उसके बाद चांदी का रेट 60,230 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद कोरोना से संबंधित कुछ बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन देखिए उससे पहले एक बड़ी खबर आप कि केरल में बर्ड फ्लू का प्रकोप फिर से बढ़ना शुरू हो गया, और इसके बाद सरकार ने कुछ डिस्ट्रिक्ट वाले इलाकों में बतख और मुर्गियों को मारने के आदेश भी दिए। देख सकते हैं कि मीटिंग के बाद अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने थाकाजी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी बतखों और मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यहां तक कि जिला अधिकारी ने भी फ्लू संभावित क्षेत्रों में मुर्गी, बतख और पक्षियों के अंडे, मांस आदि की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। यानी कि केरल में एक बार फिर से ये बर्ड फ्लू वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। अच्छा, कोरोना की बात करें तो देखिए दोस्तों, जर्मनी में 5 से 11 साल तक के बच्चों को जल्द ही कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। वैक्सीनेशन एडवाइजरी कमीशन ने इस तरह की सिफारिश भी की है। वह देखिए, कर्नाटक सरकार कोविड पाबंदियों पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेगी, ये कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई की तरफ से। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी फिर से कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। कल बुधवार को ही पिछले 100 दिन में सबसे ज्यादा नए मामले
मामले दर्ज किए गए, 404 एक्टिव केस फिलहाल राजधानी दिल्ली में चल रहे हैं और 24 घंटों में 65 नए केस देखे गए। वहीं देखिए बड़ी खबर, कोरोना ने बिगाड़ा भारतीय टीम का भी खेल, इस बड़े टूर्नामेंट से वापस लिया नाम। दरअसल कोविड 19 का मामला पाए जाने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी से हटने की घोषणा कर दी है। गत चैंपियन साउथ कोरिया और चीन के खिलाफ मैच रद्द होने के एक दिन बाद भारत ने ये फैसला किया है। वह देखिए दिसंबर महीने में जैसलमेर में अलर्ट रहेगा, हर आने जाने वाले देशी विदेशी सैलानी का रिकॉर्ड रखना होगा, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान में भी कोरोना की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस तरह के प्रशासन ने फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश में देखिए अब जीनोम सिक्वेंसिंग होगी, केंद्र सरकार खुद इसके लिए मशीन देगी। एमपी के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ये मशीनें लगाई जाएगी और जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट अब एमपी में मिल सकेगी। वहीं राजस्थान में देखिए अब आपका वैक्सीनेशन लगाना और आसान होगा, कहने का मतलब कोरोना का टीका लगाना, क्योंकि अब आप जब जहां चाहें वहां टीका लगवा पाएंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आपका एरिया वो है तो वहीं पर आपका कोरोना का टीका लगेगा, है ना। अच्छा, हालिया एक रिसर्च में सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि इस साल 2021 में भारतीय लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गूगल पर, तो वो शब्द कोरोना नहीं था बल्कि वो शब्द आईपीएल, यानी कि आईपीएल क्रिकेट मैच को साल 2021 में सबसे ज्यादा सर्च किया भारतीय लोगों ने। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन, और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज को जान लेते हैं। देखिए, फार्मा शिक्षा और शोध संस्थानों का दर्जा बढ़ाने का विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। संसद के ऊपरी सदन ने गुरुवार को द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 को पारित किया। अब इस विधेयक में क्या क्या नियम है, इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने एक नई खोज भी की है, एचआईवी की रोकथाम में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मददगार होगी और इससे एचआईवी एड्स जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, ये देश युवाओं के लाइफ टाइम सिगरेट खरीदने पर लगाएगा पाबंदी, तंबाकू उद्योग पर भी लगाम लगाने की योजना बना रहा है। आखिर वो देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड सरकार ने तंबाकू उद्योग पर बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया और इसके अलावा युवाओं में बढ़ते नशे की लत को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार अब युवाओं के लिए सिगरेट खरीदने पर परमानेंट पाबंदी लगाने जा रही है। यानी कि युवा जीवन में कभी भी सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे, किसी भी दुकानदार पर उनको कोई भी शॉपकीपर सिगरेट देगा ही नहीं। तो ये वाकई में मतलब न्यूजीलैंड सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, हमारे भारत में भी इस तरह का नियम लागू होना चाहिए, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण जो देने की सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी, तो उस नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब भी मांगा है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, 30 लाख किसान भाई लोगों को इससे फायदा मिलेगा। 11 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बलरामपुर से इसका उद्घाटन करेंगे। वह देखिए, मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अब देना होगा शपथ पत्र, तभी मिल पाएगा ये फायदा। दरअसल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के तहत एडमिशन लेने के लिए अब नई व्यवस्था शुरू कर दी है राज्य सरकार ने, और अब आरटीई के अंतर्गत दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने के लिए शपथ पत्र देना जरूरी होगा, साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं का फोटो भी अपलोड करना होगा। वह देखिए, झारखंड राज्य के इन 4 जिलों में 20-20 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और झारखंड के पलामू जिले के साथ साथ गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में 20-20 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को सौर ऊर्जा के जरिए विद्युत मिल पाएगी। हालांकि दोस्तों, सोलर पैनल अगर आप भी लगवा रहे हैं छतों पर तो जरा सावधान हो जाएं, सरकार ने एक चेतावनी भी जारी की है। दरअसल गवर्नमेंट ने ये पब्लिक नोटिस जारी किया है कि अभी तक ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल यानी कि रजिस्टर्ड सोलर पैनल विक्रेता या आपूर्तिकर्ता नहीं है, यानी कि देश में अभी तक छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए कोई भी संस्था या कोई भी वेंडर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। जो भी सौर पैनल लगाने वाली कंपनियां हैं या जो भी एजेंट्स वगैरह हैं, वो सब प्राइवेट ही हैं। कोई आपको सरकारी स्कीम के नाम पर अगर इनको लगवाने के झांसा दे तो उनके बातों में ना आए आप, ठीक है ना। सरकार ने खुद ये पब्लिक नोटिस जारी किया। चलिए वही देखिए बड़ी खबर, झारखंड के 66,000 पारा शिक्षकों के लिए भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 5 लाख रुपए तक अब उनको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और भी कुछ फायदे मिलेंगे। पारा शिक्षकों का स्वास्थ्य व सामूहिक बीमा होगा, ये झारखंड सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है वाकई में। वही देखिए, कोरोना काल के दौरान इस साल दुनिया भर में रिकॉर्ड संख्या में पत्रकारों को जेलों में डाला गया और पत्रकारों की हत्या भी हुई। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि इस साल 2021 में 293 पत्रकार अलग अलग देशों से अपने काम के लिए विभिन्न देशों की जेल में बंद हुए और ये लगातार 6ठा साल रहा जब 250 से ज्यादा पत्रकारों को जेल जाना पड़ा अपनी पत्रकारिता के चलते।
क्योंकि सच बोलने नहीं देती कई देशों की सरकारें, राइट। वही देखिए बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा क्रेज, 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा हो चुके हैं अभी हमारे देश में। वही राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है और कर्नाटक राज्य तीसरे नंबर पर है ईवी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। कैटरीना और विक्की अब दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। आखिरकार उन्होंने 7 फेरे ले लिए कल और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की भी कल शादी हो चुकी है। रेचल के साथ उन्होंने सगाई की और फिर अग्नि के साथ फेरे भी लिए। उनकी शादी में राबड़ी सहित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। अच्छा, वहीं एलपीजी गैस बुकिंग को लेकर अपडेट आ रहा है कि अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए भी एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर पाएंगे। अब आपको मतलब एलपीजी सिलेंडर बुक करने की फैसिलिटी आईपीपीबी के ऐप पर भी मिल जाएगी, है ना। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से एक खास ऑफर आ रहा है। एसबीआई टॉप अप होम लोन की ब्याज दर पर छूट दे रहा है। प्रोसेसिंग फीस भी अभी आपको नहीं देनी है, यानी कि इस दिसंबर महीने में अगर आप एसबीआई के जरिए होम लोन वगैरह लेते हैं ना, तो आपको ब्याज दर में भी 0.25% छूट मिल रही है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो अगर आपने भी होम लोन ले रखा है तो आप इस लोन पर टॉपअप लोन भी ले सकते हैं। इस पर एसबीआई आपको ये ऑफर दे रहा है, ओके। ज्यादा डिटेल्स आप अपने नजदीकी एसबीआई ब्रांच जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल की पत्नी की 300 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करेगी भारत सरकार। आखिर क्यों? तो दरअसल बात कुछ यूं कि नवाब खानदान की 2600 करोड़ की संपत्ति है, जिसके बंटवारे के लिए 49 साल से मुकदमेबाजी चल रही है और अब जिला जज ने बंटवारे की पार्टीशन स्कीम तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है। भारत सरकार की ओर से इस जायदाद में 300 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है और इसे पाने के लिए सरकार ने जिला जज की अदालत में अर्जी भी लगाई है। तो इसी मसले के चलते अब ये संपत्ति भारत सरकार लेगी। अच्छा, वहीं देखिए, यमुना में गिरने वाले हरियाणा के गंदे पानी का अब इलाज किया जा रहा है। अब साफ पानी से बनाई जाएगी झील। केजरीवाल सरकार अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखे हैं और इसी के तहत ये नई परियोजना भी तैयार की जा रही है यमुना नदी पर। अच्छा, वहीं भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात देखिए, गगनयान से पहले भारत अगले साल लॉन्च करेगा 2 मानव रहित मिशन। विनश ग्रह पर जाने की भी तैयारी कर रहा इंडिया, राज्यसभा में बोले मंत्री। साथ ही देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एनपीसीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक पार्टनरशिप की है, यानी कि अब आपको बहुत जल्द बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से रुपे क्रेडिट कार्ड भी मिल पाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, काकोरी के नायकों की 94वीं पुण्यतिथि, शहीद दिवस पर 17 से 19 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित करेगी यूपी सरकार। इस दौरान कवि सम्मेलन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। वहीं खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट्स डॉक्टर की हड़ताल में अब दिल्ली के 5 और अस्पताल भी शामिल हो चुके हैं और मरीजों के हालात ये हो रहे हैं कि भटकने पर मजबूर हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में डॉक्टर भाई लोग अपनी हड़ताल को काफी लंबे समय तक खींचे जा रहे हैं और दिल्ली सरकार भी अभी तक डॉक्टरों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में यहां पर 5 और अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल हो चुके हैं और अब ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी वगैरह की सेवाएं भी नहीं मिल पा रही, तो मरीजों को दिक्कत आ रही है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में बालाघाट में नक्सलियों ने सड़क निर्माण की मशीनें जलाने के बाद की मजदूरों की पिटाई। 10 दिसंबर को 3 राज्यों में बंद का ऐलान किया गया है, यानी कि 3 राज्य जो है 10 दिसंबर को बंद रहेंगे इस माहौल के चलते। साथ ही देखिए, छत्तीसगढ़ में 17 करोड़ में बना ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा और जॉब वगैरह भी मिल सकेगी। दरअसल दोस्तों, आम लोगों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर खोल चुका है छत्तीसगढ़ राज्य में, जिसमें छात्रों को, युवाओं को, लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग के साथ साथ उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए योगा रूम और मेडिकल रूम भी बनाए गए, जो कि वाकई में एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में लागू हुआ कमिश्नर सिस्टम, डीएम की जगह अब कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी कमिश्नर की होगी। वहीं खबर देखिए, हरियाणा में ट्रैफिक इमरजेंसी के लिए अब आप 112 नंबर डायल करें, क्योंकि अब जितने भी दूसरे नंबर थे उनको भी ऑटोमेटिक 112 पर सरकार रिडायरेक्ट की सुविधा शुरू कर चुकी है। हेल्पलाइन नंबर 1073 की सर्विस भी अब आपको 112 पर ही मिलेगी। तो किसी भी तरह की ट्रैफिक इमरजेंसी, सड़क दुर्घटना वगैरह, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी सहायता चाहिए आप, तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें, ओके। अगला अपडेट देखिए, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 20 दिसंबर को असम जाएंगी और फिर वो मेघालय जाएंगी। 15 से 16 दिसंबर को केएमसी चुनाव के लिए प्रचार वगैरह भी करेंगी। वहीं देखिए, टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है, अपनी पॉपुलर एसयूवी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल टाटा मोटर्स कंपनी ने अपनी एसयूवी टाटा सफारी की कीमतें बढ़ा दी है। टाटा सफारी के कुछ मॉडल्स जैसे कि XTA प्लस में 7,000 रूपए तक की बढ़ोतरी कर दी है और XZA में 3,000 रूपए की बढ़ोतरी की है और बाकी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स वाले जो मॉडल हैं उनमें 2,000 रूपए तक की बढ़ोतरी कर दी है, ओके। और अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 400 सिविल इंजीनियरों की भर्ती भी
भर्ती होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में भर्ती को प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल चुकी है और जल्द ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी व्यापम की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, तो पीडीएफ नोटिस में आपको बता दूंगा। वही खबर देखिए, मेरा राशन ऐप की मदद से राशन कार्ड संबंधित सारी समस्याएं अब आपकी दूर हो पाएगी, क्योंकि इस ऐप पर सरकार आपको कई सारी नई सुविधाएं भी देने जा रही है, जैसे कि राशन कार्ड में किसी व्यक्ति का नाम जुड़वाना हो या राशन कार्ड से किसी का नाम हटवाना हो या राशन कार्ड में कोई भी अपडेट करवाना हो आपको, ये सब कुछ चीजें अब आप मेरा राशन ऐप के जरिए कर पाएंगे। वहीं उचित मूल्य की दुकान का पता लगा पाएंगे, खाद्यान्न पात्रता की जाँच कर पाएंगे, अपने द्वारा किए गए हाल ही के ट्रांजेक्शन की लिस्ट देख पाएंगे, आधार सीडिंग स्टेटस, प्रवासी और माइग्रेशन डिटेल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे, सुझाव या प्रतिक्रिया देने का इसमें आपको विकल्प भी मिलेगा। तो मेरा राशन मेरा ऐप आज ही डाउनलोड करें आप अपने मोबाइल में और सरकार के द्वारा दी जाने वाली इन सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में, हाल ही में शहीद हुए CDS बिपिन रावत जी कहां के रहने वाले थे, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।